नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम ताज़ा समाचार में आप सभी प्रदेशवासियों का स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान में इस समय मानसून का ब्रेक लग चुका है। यहां पर आपको बता दें, एक सप्ताह बाद मानसून का ब्रेक खत्म होगा और बादल फिर से झूमकर बरसेंगे। 20-21 अगस्त से प्रदेश में एक बार फिर से मानसून मेहरबान होगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके असर से 20 या 21 अगस्त से पूर्वी राजस्थान और 21-22 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। 20 से 26 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में औसत से अधिक बरसात हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में औसत दर्जे की बारिश होगी। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, इन जिलों में अभी तक बरसात कम हुई है या छिटपुट देखने को मिली है, लेकिन अब औसत बरसात होने वाली है। इससे पहले 19 अगस्त तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा। प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा जो भी अपडेट्स आती हैं, वो ही इस चैनल पर आपको बताई जाती हैं। यानी कि राजस्थान मौसम से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारी इस चैनल पर आपको उपलब्ध होती है। इसलिए अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश में 10 दिन से बारिश नहीं के बराबर हो रही है। इसके बाद भी प्रदेश में बारिश का आंकड़ा सामान्य से अधिक है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सवाई माधोपुर तथा हाडोती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन जिलों में ही बरसात देखने को मिली थी। दरअसल 10 दिन पहले करीब 2 सप्ताह तक लगातार हुई बारिश ने अच्छा खासा कोटा पूरा कर दिया था। प्रदेश में अभी भी सामान्य से 8% अधिक बारिश हो चुकी है। अभी तक प्रदेश में 300 mm बारिश सामान्य रूप से होती, मगर अभी तक 320 mm बारिश हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से 20% अधिक पानी बरस चुका है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान अभी भी बारिश की कमी झेल रहा है, यहां सामान्य से 11% बारिश कम हुई है और जो फसलें बो दी थी वो भी दोस्तों धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। अब 19 अगस्त के बाद में मानसून फिर से सक्रिय होंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और अब की बार पूरे राजस्थान में, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में भी झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान मौसम से जुड़ी बिल्कुल सटीक और लेटेस्ट जानकारी। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।